भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव और खेसारी लाल यादव ने एक ही दिन चुना अपनी अपकमिंग फिल्म के फर्स्ट लुक के लिए। दिनेश की फिल्म बॉर्डर और खेसारी की फिल्म नागदेव का आप पहले फर्स्ट लुक देख लीजिए। फिल्म बॉर्डर ईद के मौके पर रिलीज होगी, वहीं खेसारी की फिल्म नागदेव भी ईद के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म का प्रमोशन अभी से शुरू हो गया है। फिल्म के डायरेक्टर संतोष मिश्रा है तो फिल्म के प्रोड्यूसर निरहुआ के छोटे भाई प्रवेश लाल यादव है। वहीं दूसरी तरफ अगर नागदेव फिल्म की बात करें तो फिल्म बॉर्डर से अलग यह फिल्म है। जहां बॉर्डर देशभक्ति के सब्जेक्ट से ओतप्रोत है तो वहीं डायरेक्टर देव पांडे की फिल्म नागदेव का टॉपिक नाग नागिन के विषय पर आधारित है। फिल्म के पोस्टर में काजल राघवानी का लुक श्रीदेवी की फिल्म नगीना वाला है तो वहीं खेसारी लाल यादव का लुक भी बहुत जबरदस्त है। फिल्म में बहुत से स्पेशल इफेक्ट का सहारा लिया गया है। फिल्म बॉर्डर में आम्रपाली और निरहुआ के अलावा भोजपुरी के कई बड़े दिग्गज आपको दिखेंगे। खेसारी की इस फिल्म में खेसारी और काजल राघवानी मेन लीड में है, लेकिन खेसारी के लिए यह राह आसान होने वाली नहीं है। वैसे तो बॉर्डर फिल्म का खेसारी की फिल्म से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि बॉर्डर का टॉपिक ही अलग है, लेकिन खेसारी की फिल्म को जबरदस्त टक्कर देगी यश कुमार की फिल्म नागराज, जो आजकल YouTube पे खूब ट्रेंड कर रही है। फिल्म नागराज के ट्रेलर को YouTube पे खूब पसंद भी किया जा रहा है और यह फिल्म खेसारी लाल यादव की फिल्म से पहले रिलीज होगी। अगर यह फिल्म खेसारी लाल यादव की फिल्म से पहले रिलीज होती है और जबरदस्त हिट साबित होती है तो खेसारी लाल यादव की मुसीबतें बढ़ेंगी ही, क्योंकि दर्शकों की उम्मीद उनसे कहीं ज्यादा हो जाएगी कि इस फिल्म से बेहतर खेसारी की फिल्म होगी, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा में खेसारी का कद कितना बड़ा है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा सुपरस्टार होता है दर्शकों को उम्मीद भी उससे उतनी ही होती है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए।